गाइस, वेलकम टू माय चैनल और दिस इज मी खुशी। तो आज जो है मैं आप लोगों के साथ रिव्यू करने वाली हूँ एक ऐसा प्रोडक्ट जो मस्ट हैव और मस्ट बाय प्रोडक्ट है उन सभी के लिए जिनके पास फिलहाल छोटे बच्चे हैं या जिनके घर में न्यू बॉर्न बेबीज है। सो आज का जो मेरा रिव्यू है मॉम एंड वर्ल्ड के डायपर रैशेस क्रीम के ऊपर। तो आज मैं इस वीडियो के साथ साथ आपको रैशेस से छुटकारा पाने के कुछ एक आध दो हैक्स भी बताऊंगी। सो प्लीज आप वीडियो में बने। आप सभी जानते हैं कि मेरे घर पे जो है मेरी नीस रहती है हमारे साथ, तो मैं उसके लिए जो है बहुत सारे अलग अलग और न्यू प्रोडक्ट्स ट्राई करती रहती हूँ। बट बीच में जो है कुछ दिनों से उसको डायपर पहनाने की वजह से उसके जो डायपर एरिया वाला जो पार्ट है उस पर स्वेलिंग और रैशेज आ गई थी, जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम उठानी पड़ी। और आई नो ये हर एक बेबी के साथ होता है, जब बच्चा न्यू डायपर पहनना सीखता है या आप रेगुलर भी पहनाते हो तो आजकल के बच्चों की जो स्किन है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। और ये एक मस्ट है प्रोडक्ट है गाइस, और रैशेज की वजह से आपका बच्चा तो तकलीफ में होगा, साथ ही साथ आपको भी उतनी ही ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ेगी। ये जो प्रोडक्ट है ये आपके बच्चे की स्किन को सूदिंग इफेक्ट देगा, उसको रैशेज से प्रिवेंट करेगा और ट्रीट भी करेगा। ये जो मॉम एंड वर्ल्ड है उनके मैं ऑलरेडी दो प्रोडक्ट्स यूज कर चुकी हूँ जो मुझे काफी पसंद आए मेरी नीस के लिए, जो कि था एक बेबी वॉश और दूसरा था बेबी मसाजिंग ऑयल। बच्चों के लिए अगर आप यूज करना चाहते हो तो ये एक बेस्ट ब्रांड है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सेफ है और इनके सारे ही प्रोडक्ट्स जो है वैल्यू फॉर मनी है। आप एक बार परचेस करते हो तो आपको ये वर्थ बाइंग भी लगेंगे। और देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे कि इनके जो प्रोडक्ट्स है उसमें नो एनिमल टेस्टिंग, नो पैराबीन, नो सिलिकॉन, नो मिनरल ऑयल, नो सल्फेट, ये सारी चीजें इसमें है। तो ये बहुत बहुत ज्यादा सेफ है, इफेक्टिव है और कंफर्टिंग है आपकी बेबी के लिए। उसके अलावा इसमें जो है नॉन अल्कोहलिक चीजें हैं, फ्रेग्रेंस फ्री है, नॉन टॉक्सिंग है, मतलब हर तरह से ये जो है सेफ प्रोडक्ट है। कोई भी हार्श चीजें इसमें नहीं मिलाई गई है, एक नेचुरल चीजों से ये जो प्रोडक्ट है वो बनाया गया है जो आपकी बेबी की स्किन को डैमेज होने से बचाएगा, एक प्रोटेक्शन लेयर जो है आपकी बेबी की स्किन पे बना के रखेगा। मैंने इसको अपनी इस पे ट्राई किया है, उसके बाद ही मैं जो है आपके साथ रिव्यू शेयर कर रही हूँ। 3 से 4 बार मैंने इसको जो है उस पर ट्राई किया है और सच में इसने जो है एकदम मिरेकल रिजल्ट दिखाया है। उसकी स्किन पहले जो थी और बाद में जो थी बहुत ज्यादा डिफरेंट है, तो आपको ये मैं हाईली रिकमेंड करूंगी। वैसे आपको पता ही है मैं अपने चैनल पे वही चीजों का रिव्यू करती हूँ जो सेफ होते हैं, इफेक्टिव होते हैं, और आपके जो पैसे है उन्हीं चीजों पे मैं भी चाहती हूँ लगे जो वर्थ बाइंग हो। सो मैं जो है फिलहाल अपनी नीस पे और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ। अगर आप वो जानना चाहते हो उसके स्किन केयर के प्रोडक्ट्स तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। और इनके जो दोनों प्रोडक्ट्स है उसकी वो वीडियो अब तक आपने नहीं देखी है तो एंड स्क्रीन पे मैं लगा दूंगी, आप वो दोनों प्रोडक्ट्स भी देख सकते हो। इनकी कंपोजिशन की तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यहाँ पे जो दिए गए हैं सारे ही नेचुरल कंपोजिशन इसमें मिलाए गए हैं, जैसे कि इसमें मिलाया गया है एलोवेरा जेल, शिया बटर, बीस वैक्स, ग्लिसरीन, ऑलिव ऑयल, सोयाबीन ऑयल, विटामिन ई, वर्जिन जोजोबा कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, स्वीट आलमंड कोल्ड प्रेस्ड ऑयल। सो ये जो है इस तरह के प्योर और नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। ये जो सारे इंग्रेडिएंट हैं आपकी बेबी के लिए वंडर इफेक्ट करेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे हो। ये जो सारे फॉर्मूलाज हैं वो क्या वर्क करेगी आपकी बेबी की स्किन पे, एक बैरियर बना देंगे इफेक्टिव जो आपकी बेबी की स्किन को काम और सूदनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेंगे, और साथ ही एक प्रोटेक्शन लेयर भी देंगे, क्योंकि बच्चों की जो स्किन है बहुत ज़्यादा डेलिकेट और नाजुक होती है तो उस पर जो है कोई भी चीज़ जल्दी साइड इफेक्ट दिखा देती है। साथ ही साथ ये जो है इसमें शिया बटर, कैल्यूंडला ऑयल, आर्गन ऑयल, एलोवेरा जेल, ये सारे ही प्रोडक्ट होने की वजह से आपकी जो बेबी की स्किन है वो अच्छे से मॉइस्चराइज रहती है, तो बच्चों की स्किन पे जो है इसका एक सूदनिंग इफेक्ट पड़ता है। साथ ही ये जो है आपके बच्चों की स्किन में मॉइस्चर लेवल को बना के रखेगा। कुछ बच्चों में जो है रैशेज की वजह से इन्फ्लेशन आ जाता है, यानी कि सूजन जैसा हो जाता है, तो वो भी नहीं होगा अगर आप इस क्रीम को लगाओगे। इवन किसी भी तरह का इन्फेक्शन होने के भी चांसेस नहीं है, ये एक नेचुरली एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगनल
प्रोडक्ट है जो कि हर्बल इंग्रेडिएंट से बनाया हुआ है, तो हर तरह से इसके जो है आपको सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट ही मिलेंगे। और लास्टली इसमें जो है कोई भी तरह का हार्श केमिकल या हार्श इंग्रेडिएंट नहीं डाला गया है, सारे ही नेचुरल प्योर ऑयल्स एक्सट्रैक्ट और हाइपोएलर्जेनिक इंग्रेडिएंट है। हाइपोएलर्जेनिक यानी कि अगर किसी बच्चे की स्किन एक्स्ट्रा सेंसिटिव है तो उनके लिए भी ये एक बेस्ट प्रोडक्ट होगा, उस बच्चों के लिए भी आप इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं इसके रेट की। तो यहाँ पे आप देखिए 50 ग्राम्स का मुझे रिसीव हुआ है ₹399 में। इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो 2 इयर्स की है। इसको मार्केटेड किया हुआ है एम्ब्रोज ओवरसीज लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड ने, और इसकी जो परचेस लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही में इस मॉम एंड वर्ल्ड की वेबसाइट की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो अगर आप चाहो तो इनके और भी प्रोडक्ट्स जो है वहां से चेकआउट कर सकते हो और परचेस भी कर सकते हो। बहुत ज़्यादा सेफ और इफेक्टिव है आपकी बेबी के लिए। और अगर मैं बात करूँ इस प्रोडक्ट के पैकिंग की, तो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा सुंदर पैकेजिंग में ये प्रोडक्ट जो है मुझे रिसीव हुआ है। बहुत ब्यूटीफुल पैकिंग है, ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। एक प्लास्टिक का डब्बा है और यहाँ पे इसका गोल्डन टॉप है जो कि काफी क्लासी और ब्यूटीफुल लुक देता है। देखिए क्रीम है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए इस तरह से आपको खोलना है। और यहाँ पे भी इन्होंने एक लीड दे रखी है, इसको खोलेंगे तो यहाँ पे आपको जो है इतना सारा प्रोडक्ट मिल जाता है। अभी तक तो मेरा सिर्फ ये लिप पे लगा हुआ प्रोडक्ट ही खत्म नहीं हुआ है, मैं उसको जबकि 3 से 4 बार यूज कर चुकी हूँ। ये बहुत क्रीमी और मॉइस्चराइजिंग है, तो आपको जितना प्रोडक्ट चाहिए उतना लेना है। आपके बच्चे का जो डायपर एरिया है वहां पे इसको अप्लाई करना है, अच्छे से जो पूरा एरिया है इस तरह से क्रीम लगा के आपको कवर कर लेना है। तो ये पैकेजिंग वाइज भी बहुत बेस्ट है, इसकी फ्रेग्रेंस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, फ्रेग्रेंस वाइज भी बहुत ही अच्छा है। आपको मोगरे का फूल होता है ना उस टाइप की ये जो है फ्रेग्रेंस आएगी। आपको जो है बेबी की स्किन में जेंटली इसको अप्लाई करना है, ना ही मसाज करना है ना ही रब करना है। देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे इन्होंने लिखा हुआ है। और एक और चीज मैं बता दूं, जब भी आप इसको अप्लाई करने जाओ तो उसकी पहले जो है आपको अपनी बेबी का डायपर एरिया जो है अच्छे से क्लीन कर लेना है, उसके बाद ही इस क्रीम को अप्लाई करना है। चाहे जब भी आप नया डायपर पहनाए आपको ये प्रोसेस हमेशा करनी है। सो फर्स्ट हैक तो यही है कि जब भी आप अपने बच्चे को डायपर पहनाते हैं 6 से 8 घंटे में जो है उसका डायपर चेंज कर दीजिए। भले उस डायपर के पैकेट के ऊपर लिखा हो कि आप इसको 12 घंटे तक यूज कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको विद इन 8 आवर्स तो उसको चेंज कर ही लेना है, क्योंकि वो इनफ हो जाता है गाइस। छोटे बच्चे जो है पी ज्यादा करते हैं तो फिर उतना ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए उसको नहीं रखना चाहिए। और दूसरा जो हैक है कि जब भी आप उसको डायपर पहनाने जाओ तो आप जो है कोकोनट ऑयल उसके डायपर एरिया पे पहले लगा सकते हो, फिर ही आप उसको जो है डायपर पहनाओ। और आप ये क्रीम भी उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो, उसकी जो स्किन है उसको किसी भी तरह का हार्म ना पहुंचे। सो आई नो गाइस आप में से कुछ लोगों को ये हैक पता होगी, बट और यहाँ पे आप मेरी नीस को देख सकते हो कितना अच्छे से एंजॉय कर रही है। और आपने अगर उसके पिछले दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज मस्ट गो एंड वॉच हर वीडियोस। और अगर आप नीस के साथ मेरे और वीडियोस देखना चाहते हो तो भी मुझे कमेंट में बता सकते हो। सो गाइज यहाँ पे कंप्लीट होता है मेरा आज का रिव्यू, और आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो आपको पता ही है क्या करना है, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट। और लास्ट में मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में अपनी इंस्टा और फेसबुक की आईडी दे रखी है, तो आप वहां पे भी जो है मुझे फॉलो कर सकते हो। सो बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।